हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम मोशन का एक और पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। आज हम देखने वाले हैं क्या मोशन, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कितने टाइप में होता है? देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हमारा दो टाइप से हो सकता है। हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, वो दो टाइप से हो सकता है। पहला डीटी ग्राफ, सॉरी डीटी कैपिटल नहीं होगा, पहला होगा डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, ओके, और दूसरा होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप कि आपको दिख रहा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप क्या कवर करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से, डी एंड टी की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना होता है? वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, स्पीड फाइंड करनी होती है। ओके, स्पीड लिखते ज्यादा सही है, ठीक है। डी और टी की हेल्प से आपको स्पीड फाइंड करनी होती है, ओके। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम की हेल्प से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। तो चलिए पहला वाला हम लोग कवर करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा। ओके, इसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कैसे होता है। तो चलिए पहला देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, इसमें भी आपके दो पार्ट हो सकते हैं। पहला, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो इक्वल टाइम में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हमारी दो एक्सिस हैं, ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है? ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ओके। तो वाई एक्सिस के लिए अलोंग हमने क्या रिप्रेजेंट किया? वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा टाइम, ओके। एक्स एक्सिस के हमारा अलोंग हमारा टाइम है, ठीक। तो देखिए, जैसे कि हम पहले देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होगा ग्राफ? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा होगा तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए पहला हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि शुरू के एक घंटे में उसने कितना कवर कर लिया, यहां पे 1 आवर हो गया उसको, और 1 आवर में उसने कितना कवर कर लिया? 10 किलोमीटर, ओके। फिर यहां पे उसका हो गया 2 आवर, 2 आवर में उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया। फिर यहां पे हो गया उसका 3 आवर, 3 आवर में उसने कितना कवर कर लिया? 30 किलोमीटर, और यहां पे हो गया उसका कितना? 4 आवर, और जब वो यहां पे पहुंचा तो उसके 40 किलोमीटर हो गए। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप टाइम और डिस्टेंस का एक टेबल बनाएंगे तो कुछ ऐसा टेबल फॉर्म होगा, या चार्ट बोल सकते हो उसको। देखिए, ये हमारा टाइम है, ओके, ये हमारी डिस्टेंस है। तो टाइम और डिस्टेंस का टेबल कुछ ऐसा होगा, 1 आवर में आपका है 10 किलोमीटर, 2 आवर में आपका है 20 किलोमीटर, 3 आवर में है आपका 30 किलोमीटर, टाइम आपका आवर में है और डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, ओके। तो और 4 आवर में है आपका 40 किलोमीटर, ओके।
4 आर में आपका 40 किलोमीटर है, डिस्टेंस हम यहाँ किलोमीटर में कर देते हैं। तो अब हम इसको ये देखिए यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, यहाँ पे भी आपका 2 - 1 आर आएगा डिफरेंस, यहाँ 1 आर आएगा, यहाँ 1 आर आएगा, यहाँ पे भी 1 घंटे का ट्रेवल है, यहाँ पे भी 1 घंटे का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 घंटे का डिफरेंस है। इस 1 घंटे में उसने कितना कवर किया, 10 किलोमीटर। इस 1 घंटे में 30 - 20 10 किलोमीटर, और इस 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर। तो ये जब होगा तो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ओके, तो देखते हैं इसको हम लिखते हैं 1 आर, इसको हम सॉरी यहां से कुछ करते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 आर। ओके, इसको हम लिखते हैं 2 आर, टाइम आपका आर में है, और यहां आपका 3 आर, और यहां आपका 4 आर। ओके, उसी तरह यहां पे हम लोग डिस्टेंस हमारी वाई एक्सिस के अलोंग है, तो डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस पे लिखेंगे 10, ये आपका 20, ये आपका 30 किलोमीटर, और ये आपका 40 किलोमीटर। ओके, तो देखिए 1 आर पे कहां था ऑब्जेक्ट, 1 आर पे जो है उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली थी, तो ये हमारा है जो पॉइंट वो क्या है 10 किलोमीटर का है। ओके, और फिर उसके बाद आपका 2 आर पे कहां पे था, 2 आर पे आपका ये ऑब्जेक्ट था, यहां पे कुछ 20 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब ये, और टाइम हमारा क्या है 2 आर। इसके लिए आप अगर थोड़ी ज्योमेट्री भी देख लेंगे तो आपको ज्यादा एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। 30 किलोमीटर कब आप लोग का ट्रेवल हुआ था, 3 आर में, 3 आर में देखते हैं 30 किलोमीटर, तो 3 आर में हमारा 30 किलोमीटर हो गया, ये पॉइंट हमें मिल गया। और उसके बाद 40 किलोमीटर आपका कब कवर हुआ था, 4 आर में। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ ग्राफ जो है बनाना होगा, और फिर जब आप इस सारे पॉइंट को मिला देंगे, सॉरी हाँ अब ये 4 पॉइंट आपके हो गए, तो इन 4 पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर्म कर रही है। तो अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन से, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या वेलोसिटी, तो हमें क्या पता है वेलोसिटी, या स्पीड बोल सकते हैं, फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे अपॉन में आ रहा है, तो जब भी अपॉन में आता है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं किसी लाइन का, एक्सिस के थ्रू स्लोप फाइंड करते हैं। ओके, तो स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप हमारा होता है y2 - y1, मतलब y एक्सिस पे 2 पॉइंट जो होंगे उनका डिफरेंस, और x2 - x1, ये हमारा स्लोप होता है इसका। एक मिनट, ये जैसे हम इसका ग्राफ बना देते हैं, तो देखिए ये हमारा फिर से ग्राफ देख लीजिए, ठीक, ये हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। आपको पता है हमारा टाइम किसके अलोंग था, टाइम हमारा था ये t, और ये हमारा था डिस्टेंस, ठीक, ये हमारा डिस्टेंस था। तो हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही थी, तो हम लोग पहला पॉइंट मान लेते हैं इस पॉइंट से कि जब डिस्टेंस इतनी होगी तो कितनी हम मान लेते हैं ये, इसको हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किस पे, वाई एक्सिस पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये जो हमारा पॉइंट मिला इस टाइम से, और इस समय टाइम क्या हो रहा होगा, वो टाइम ये है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या t2, और इसको हम मान लेंगे d2। ओके, और इस पॉइंट के लिए यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये हम t1 टाइम मान लेते हैं, और ये हमारा s1 s2 मानना है, तो डिस्टेंस के लिए आपका ये है, तो इसको हम S2 मानते हैं और इसको S1 मानते हैं। ओके, ठीक है, तो S1 और S2 दो डिस्टेंस, यहाँ पे आपका Y2 Y1 एक्सिस के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे हमारे Y2 पॉइंट क्या है S2, और Y1 पॉइंट क्या है S1, और S2 पॉइंट क्या है T2, X1 पॉइंट क्या है T1। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस सॉरी स्लोप में क्या आ जाएगा, स्लोप में हमारा आएगा वेलोसिटी, स्लोप की जगह हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी, तो हमारी क्या होगी S2 जो हमारा Y2 था S2 - S1
और यहां पे नीचे क्या आएगा टी टू माइनस टी वन। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपनी क्या वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो यह आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा तब क्या करेंगे हम लोग। अब नॉन यूनिफॉर्म में सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि हमारा टाइम था, ये टाइम हम आर में लेते हैं और ये हम डिस्टेंस लेते हैं किलोमीटर में। ओके, डिस्टेंस हम किलोमीटर में लेते हैं। तो पहले वन आर में क्या हुआ, वन आर में जो है जो डिस्टेंस कवर हुई वो हम मानते हैं 5 किलोमीटर कवर हुई। फिर जो है सेकेंड आर में क्या हो गया, सेकेंड आर में जो डिस्टेंस कवर हुई वो कवर हुई 15 किलोमीटर। ओके, और जो थर्ड आर, थ्री आर में क्या हो गया, ये डिस्टेंस आपकी हो गई 30 किलोमीटर। तो ये क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि देखिए पहले वन आर में 5 किलोमीटर, फिर 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आर का डिफरेंस आया, अगले 1 घंटे में क्या हुआ 10 किलोमीटर, और फिर जो अगले 1 घंटे में क्या 15 किलोमीटर। तो क्या हो रही है यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही लगातार। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, टाइम हर बार इक्वल है पर डिस्टेंस हमेशा अनइक्वल है। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करेगा। ओके, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करेगा। अब देखिए ये हमारा डिस्टेंस की एक्सिस है, इसके अलावा हमने डिस्टेंस मानी है, ठीक। तो यहां पे हम क्या करते हैं 5, 1 मिनट, ये हमारा 5 मान लेते हैं, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, और ये कहीं ऊपर जाके y एक्सिस, ये हम ऊपर लिख देते थोड़ा, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा 25, ये हमारा 30। ओके, तो देखिए पहले 1 आर का यहां पे रहेगा 1 पॉइंट, ये 2 आर, ये 3 आर। ओके, तो जैसे 1 आर में कितना कवर हुआ 5 किलोमीटर, 2 आर में कितना कवर हुआ 15 किलोमीटर, तो आपका यहाँ कहीं आएगा, 3 आर में कितना कवर हुआ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखिए तो आपका कुछ ऐसे कर्व फॉर्म में ग्राफ बन रहा है। तो ये हमारा क्या शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी हमेशा डिफरेंट होगी उसकी, तभी हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म कर्व फॉर्म होगा। और जो हो सकता है ये ऐसे भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रिटार्डेशन हो, एक्सेलरेशन का पोजिट हो सकता है, बढ़ रही हो स्पीड या घट भी रही हो, इसमें जैसे स्पीड बढ़ी है घट रही होगी तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका ग्राफ किसी भी तरफ जा सकता है। ओके, आपको इतना याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होगा, सेम रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा। अब चलिए देखते हैं क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा अगला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 3 पॉइंट हैं, पहला जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, दूसरा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, तीसरा जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। 3 टाइप के इसमें केस बनेंगे। पहले केस में हम लोग क्या देखते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब ट्रेवल करोगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फिर से आपका सेम, ये एक्सिस आपको वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट कर देते हैं, ठीक, वाई एक्सिस के अलावा हमने वेलोसिटी मान ली, और एक्स एक्सिस के अलावा हमने क्या मान लिया, हमने टाइम मान लिया, ये हमारी टाइम के लिए है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 0, तो हम मानते हैं ये 1, 2, 3, 4, यहां 10 किलोमीटर पर आर, यहां 20 किलोमीटर पर आर,
30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी आपकी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में हो सकती है, मीटर पर सेकंड में हो सकती है। ओके, तो किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे आवर में एक्सेस डिनोट होगी, मीटर पर सेकंड में यहाँ पे सेकंड में एक्सेस डिनोट होगी। तो किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 1 आवर के लिए, यहाँ 2 आवर के लिए, यहाँ 3 आवर के लिए। ओके, तो क्या है, वेलोसिटी सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। तो पहले घंटे पे भी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे घंटे पे भी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, तीसरे घंटे के लिए भी वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, क्योंकि हर घंटे पे आपकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक, ये समझ में आया आपको? तो इसमें आपको जब दो पॉइंट के बीच आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये ले लेते हैं हम लोग, ये इस पे हम मान लेते हैं एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, हमें कंफर्म नहीं कि क्या है। ठीक है, तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे जो फॉर्म फाइंड करेंगे डिस्टेंस, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, इसको डी मान लेते, मतलब सी पे वेलोसिटी कितनी, डी पे वेलोसिटी कितनी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इस समय आपका टाइम होगा, हम लोग मान लेते T1 और इस समय आपका टाइम होगा T2। ओके, ये जो आपको देखना है कि एक पहला टाइम हम लोग T1 मान लेंगे और दूसरा टाइम हम लोग मान लेंगे क्या, T2 मान लेंगे। ठीक है, T2 माइनस T1, अलग अलग टाइम है आपके। ओके, और फिर ये आपका क्या है, ये आपका सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि 40 किलोमीटर आपका ये भी है और 40 किलोमीटर, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ओके, तो देखिए जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, यही फॉर्मूला होता है, यानी v इंटू टी होता है और यहाँ पे डिस्टेंस आपकी एस से मेजर होती है। तो जब हम मल्टीपल में कोई चीज निकाल रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या, एरिया फाइंड करना होता है, एरिया हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है, l इंटू वी हाफ हाइट इंटू बेस, ऐसे करके होता है आपका। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको एरिया फाइंड करना होगा, तो ये जो क्लोज्ड कर्व है आपका, इस क्लोज्ड कर्व का आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आप किसका निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस क्या होगी हमारी, डिस्टेंस हमारी होगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसका रेक्टेंगल, क्या हमारा एबीसीडी, एबीसीडी एक रेक्टेंगल फॉर्म है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी होगा, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल आपका यहां बी है, एरिया क्या होगा आपका बीसी इंटू एबी होगा, बीसी इंटू एबी। ठीक है, बीसी की वैल्यू क्या होगी, देखिए बीसी की वैल्यू आपकी सिंपल बी ही है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है पूरे टाइम पे, बस एडी की आपकी जो वैल्यू, सॉरी एबी की जो आपकी वैल्यू है, एबी होगा यहाँ पे, एडी नहीं, ये आपकी क्या होगी, ब्रेड्थ होगी, ये आपकी लेंथ होगी, तो एबी की जो वैल्यू वो क्या होगी, देखिए T2 माइनस T1, ये आपकी वैल्यू होगी, कैसे, ये देखिए ये हमारा पूरा T2 है, ये हमारा क्या यहां तक T1 है, तो जब इस वाले पार्ट से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पार्ट बच जाएगा, तो T2 माइनस T1 हमारा क्या है, AB है। ओके, तो इस तरीके से हमारी डिस्टेंस मिल जाएगी हमें। ओके, अब चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है इसका। तो जब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो कुछ इस तरह फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें ये याद रखिएगा कि ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब दूसरा ग्राफ देख लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है पर इक्वल एक्सेलरेशन से, जैसे कि हमारा क्या था, हमारा पहला डीटी वाला पहला पॉइंट था यूनिफॉर्म मोशन, तो उसमें क्या था, जैसे कि हमारा 1 आवर में क्या था, 1 आवर में हमने जो कवर किया कितना, 10, 2 आवर में आपने कवर किया 20, 3 आवर में आपने कवर किया 30 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 20 किलोमीटर, तो क्या है 20 माइनस 10 10 आएगा, 30 माइनस 20 10 आएगा, तो आपका
स्पीड तो बढ़ रही पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इस ग्राफ को चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो देखिए जैसे कि इस बार आपका 1R में इतना है, 2R में इतना है, 3R में इतना है कुछ। देखिए 10 किलोमीटर पहले में, फिर दूसरे आर में कितना 20 किलोमीटर यहाँ पे हुआ, तीसरे आर में कितना 30 किलोमीटर हुआ, मतलब सेम है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 10 10 10 आ रहा है और यहाँ पे 1R का डिफरेंस सेम है। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट आपका यहाँ बनेगा, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ बनेगा 20 के सामने, ठीक, और तीसरा पॉइंट आपका कहाँ बनेगा, यहाँ कुछ बनेगा। तो ये क्या फॉर्म होगी, एक लाइन ऐसे फॉर्म होगी, ठीक है, या फिर उसी तरह से लाइन फॉर्म होगी। तो अगर हम लोग पहला टाइम इनिशियल के अकॉर्डिंग लेके देखें तो क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा क्या, एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। इसको आप इससे मिला देंगे तो हमने क्या कहा था, हमें जो फाइंड करना है अगर डिस्टेंस तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम बी इंटू टी लिखेंगे, ओके। तो यहां पे आपको क्या, यहां पे भी आपको एरिया निकालना होगा, किसका, इस पार्ट का। ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है और यहां पे हम लोग मान लेते क्या टी टाइम है, ओके। यहां पे आपका टी टाइम है और ये वेलोसिटी क्या है आपकी, यहां पे वी, ओके, इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी वी है। तो तब जो है क्या आपका मानेंगे, यहां पे एरिया निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मान लेते O, इसको मान लेते B, इसको मान लेते A, OAB का एरिया। तो यहां पे आपकी क्या निकलेगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालते समय क्या होगा, इसका एरिया मान लेते यहां पे 0 है, यहां पे T है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक में जो कितना T टाइम है, तो इसका हम क्या लिखते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस क्या आपका OB और हाइट क्या आपकी AB। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, 1/2 B इनटू T, ये बनेगा आपका, ओके, डिस्टेंस अगर निकालनी है हमें तो यह आ जाएगा आपका 1/2 VT, क्योंकि ये हमारी वेलोसिटी है क्या, v से रिप्रेजेंट कर रहा है और t से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टाइम है हमारा, ओके। तो 1/2 VT आ जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस यहाँ पे। अब तीसरा आपका केस आता है भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या है, एक्सेलरेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब इसमें आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। लैंग्वेज आपको इसकी बुक में मिल जाएगी और अगर आपको इसके बाद जो है समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा उनसे पूछ सकते हैं। तो जैसे पहले एक घंटे में क्या किया 10 किलोमीटर, दूसरे एक घंटे में क्या किया 25 किलोमीटर, ठीक है, और तीसरे एक घंटे में फिर क्या हुआ कि आपका 30 किलोमीटर आ गया। तो 30 किलोमीटर आपका ये है, तो ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं है, यहां से यहां तक में सॉरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी इतनी थी। अगर आप इसको मिलाएंगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है, रैंडम ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, अचानक बढ़ी और फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी और ज्यादा बढ़ी वेलोसिटी और फिर उसके बाद थोड़ी कम रही। तो वेलोसिटी क्या है, ये ना आपकी ये वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे आपकी ये वेलोसिटी आएगी और यहाँ पे आपकी ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कोई मतलब मूवमेंट एकदम इनफाइनाइट है कि कैसे नहीं, इनडेफिनेट है सॉरी, कि वेलोसिटी कभी अचानक बढ़ रही कभी घट रही। तो इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है,
ओके, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। ओके, तो ये जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी उस वक्त, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, या फिर आप ऐसे भी जो देख सकते हैं कि अगर बहुत ही जिगजैग टाइप का अगर आपका चेंजमेंट आ रहा है तो हो सकता है ये ऐसे बने, फिर जो यहाँ पे कम हो जाए वेलोसिटी, फिर ऊपर जाए, तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता। ग्राफ आपका कैसे भी बन सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बन सकता है स्ट्रेट लाइन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब भी आपका एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगा। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेशन में हम मोशन कवर करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप हमें पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी, या फिर आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।